नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। मैं रीमन आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर से आई हूँ। और आज जो बातें लेकर के आई हूँ भाई, मैंने लास्ट वीडियो जो पिछली थी वो धनोरी के मामले पर डालने की कही थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट, सबसे पहली बात, मैंने एक पोस्ट डाली थी, वोटिंग पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर मैंने लिखा था कि धनोरी मामले में आप किसकी गलती मानते हैं। तीन ऑप्शन दिए थे, पहली गाँव की, दूसरी प्रशासन की, और तीसरी गाँव, गली और प्रशासन दोनों की। तो लगभग जो थर्ड ऑप्शन था, गांव, गली और प्रशासन दोनों की जो गलती थी उसके अंदर दिखाई गई थी, सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसने हासिल की। उस स्पोर्ट्स पोस्ट पर कमेंट लोगों के, मैं बताऊं कि अपनी गलती तय मरया है, लोगों के कहन पर मरोगे तो कद लग जियोगे, ये सारी चीज़ें मानना। हाँ भाई, लोगों के कहन पर मरांगे तो कद लग जीवांगे, लेकिन दर्द देखा जा कर है और दर्द के पीछे की जो घटना है वो देखी जा कर है कि इसी सिचुएशन आई ही क्यों कि इसने आत्महत्या करनी पड़ी, इसी सिचुएशन आई ही क्यों खुद ने तो आत्महत्या करी गल है, माँ बाप ने भी आत्महत्या करी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्हें देख के ने न्यू सोचा जा करे कि खास करके पहली बात तो कमेंट के अंदर आप लोगों का जो दृष्टिकोण है, आप लोगों की जो सोच है वो दर्शाने लग रही है। आप इस मुद्दा ने ना उठा के, आप इस मुद्दे के ऊपर स्टॉप लगवाने की जो कोशिश एक तरीके से कर रहे थे, खास करके उन कमेंट्स के अंदर। और मैंने लगभग पोस्ट के जितने भी वीडियो जिसके ऊपर बनी, लगभग पोस्ट के कमेंट मैंने देखे, तो मेरा तो इतना सा कहना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए और न्याय के साथ खड़े रहिए, ताकि न्याय को हौसला मिले और अन्याय को मात मिले।